हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए रिवीजन वर्क के लिए तैयार हो जाइए। अभी आप लोगों के PT2 एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सिलेक्टेड तो नहीं लेकिन ज़रूरी भी है, और आपके पार्ट के पूरे को थीम को ये लेकर कवर करेंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ छूट जाए और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड बनाने का प्रयास करूँगी। तो अभी लीजिए, सबसे पहले मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, एक्टिविटी बेस्ड नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कम से कम इन्हें याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ आपको अगर यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैचिंग वगैरह में भी आए तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी 5 नेचुरल कालामिटीज हैं। तो कुछ है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्थ इसका आंसर भी आप सबको पता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, टॉर्नेडोज, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, हीट वेव्स, साइक्लोन, ड्राफ्ट, मेफेमाइन, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल डिजास्टर होती है जिसके कारण जान माल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है ना। तो इनके इनमें से कोई 5 नाम आपको पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं, और इनके बारे में आपको अपना अध्ययन भी रखना है, जानकारी भी रखनी है, ठीक है ना। अब फिर उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, और ये इसको मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया है कि जो कई अलग अलग लेयर्स से मिलकर अर्थ की परत बनी होती है जो एक दूसरे पर फिसलती है, तो उतना ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं, वो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक होता क्या है। अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड विच कॉजेज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अर्थक्वेक। मतलब जो अर्थ के परत है उनकी शेकिंग हो रही है, वायलेंट शेकिंग मतलब परत एक के ऊपर एक चल रही है, और जिसके कारण ग्राउंड में एक बहुत ज़्यादा हलचल हो गई और उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक या भूकंप जिसे कहते हैं, है ना। एट वॉट स्केल द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। तो ये आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि रिक्टर स्केल होता है जिसमें उसकी इंटेंसिटी नापी जाती है, और रिक्टर स्केल में आप देखिए जब कम तीव्रता का भूकंप होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, ये करीब 4 तक आपका ग्रीन ही दिख रहा है, ये उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता चला जाता है, है ना। अब आगे है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो इसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो ये जो वेव जो चलती है अर्थक्वेक के समय उसको सेस्मिक वेव कहते हैं, तो उस सेस्मिक वेव को नापने वाले यंत्र को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, वॉट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, मान लीजिए आ गया आपके सामने, तो ये बच्चों को भी ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है स्कूलों में भी कि किस तरह से हमको बचना चाहिए। तो इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू द ओपन ग्राउंड। जितने जल्दी हो सके अगर घर खाली कर सकते हैं तो तुरंत घर खाली करके ओपन जगह में पहुंच जाइए ताकि आपके ऊपर कोई सामान वगैरह ना गिरे। दूसरा है, लाई डाउन अंडर द टेबल, डेस्क और चेयर। अगर आपका बाहर निकलना संभव नहीं होता है, यदि स्कूल में फंसे रह गए, तो कोई टेबल डेस्क वगैरह को एकदम टाइटली पकड़ लीजिए, ये टेबल है इसके दोनों सिरों को एकदम टाइटली पकड़ लीजिए और इसके अंदर में आप अच्छी तरीके से बैठ जाइए, है ना, टाइट होके। स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार वगैरह से सट के मत खड़े होइए, अगर दीवारें टूटी आपके पास मतलब ऊपर गिर गई, स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास विंडोज एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। उनके ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह के साथ में मत खड़े रहिए, अगर वो आपके ऊपर गिर गया या किसी भी व्यक्ति के ऊपर गिर गया तो भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यूज स्टेयर टू रीच आउट इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। यदि लिफ्ट लगा हुआ है आपके भवन में तो लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी बजाय सीढ़ी से नीचे उतरिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी सावधानियां हैं, लेकिन कम से कम इतनी सावधानियां आपको पता होनी चाहिए। आगे है, हु ऑल हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कालामिटीज। कौन इस समय हेल्प करता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs कम टुगेदर एंड हेल्प सिक पीपल। दे हेल्प देम इन रीबिल्डिंग देयर शेल्टर।
दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर नीड, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, NGOs होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सब लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फूड, मेडिसिन, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं अफेक्टेड पीपल को। भुज विलेज इन गुजरात वॉज स्टक एंड डैमेज्ड बाई एन अर्थक्वेक ऑकर्ड ऑन, किस दिन ये हुआ था, भूकंप आया था, तो इसकी डेट है 26 जनवरी 2001। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट काइंड ऑफ डैमेजेस कैन नेचुरल कॉलमिटीज डू, उस समय मतलब इस तरह की नेचुरल कॉलमिटीज आती है तो किस तरह के आप देखते हैं डैमेजेस होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी जानें चली जाती हैं। मैनी बिग एंड स्मॉल बिल्डिंग्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, देयर कैन बी बिग लॉस ऑफ क्रॉप्स, फसलें तबाह हो जाती है, बिल्डिंग्स तबाह हो जाते हैं, और डिसीजेज, मतलब ये अर्थक्वेक के कारण बहुत सारी बीमारियां भी बाद में फैलती है जो कि और ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये भी एक बहुत सारे और भी मुसीबतें आती हैं, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन है, कैन अर्थक्वेक बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक का क्या आप मतलब पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो ये एकदम एग्जैक्टली नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बट इफ़ वी नो दैट वी आर लिविंग इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मतलब ऐसे एरिया में हम रह रहे हैं जहाँ अर्थक्वेक हमेशा आते रहता है, तो फिर हम सावधानी बरत सकते हैं, ठीक है ना। और पीपल हु हेल्प द अफेक्टेड पीपल, उनके कुछ मतलब मैंने एग्जांपल्स दिए, साइंटिस्ट है जो कि इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएंगे जो कि अर्थक्वेक से कम क्षति पहुँचाए, आर्किटेक्ट वगैरह लोग भी इस तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स तो उस टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं, लोकल पीपल लोग भी हेल्प करते हैं, NGOs है, डॉग यदि कोई मतलब दबा हुआ है या फिर कुछ किसी तरह से प्रॉब्लम में है तो उसको खोजने का काम करता है, आर्मी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लैबरर्स, तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं भी हैं, बहुत लोग भी हैं, तो हमें इस तरह की नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं, या फिर उस समय मतलब जो जान माल की क्षति हो गई उसके बाद हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है आपके चैप्टर से रिलेटेड, तो इन्हें आप मैंने एग्जाम पर्पस से आप तैयार किया है, आप इसका सामाजिक और सोशल बिहेवियर भी देखिए और इन्हें याद भी करिए, समझ के याद कीजिए, ठीक है। और इसके बारे में और आपको जानकारी मिलती है तो और भी खोजिए, ठीक है।